नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति शर्मा, रेकी ग्रैंड मास्टर एंड पेरर थेरेपिस्ट, अपने यूट्यूब चैनल रेकी द पावर ऑफ लाइट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे आनापान सती ध्यान के बारे में। आन अपान यानी सांसों का आना और जाना। दोस्तों, ध्यान के बहुत से तरीके हैं। आप आनापान सती ध्यान कर सकते हैं, आप विपश्यना ध्यान कर सकते हैं, आप किसी साउंड पे फोकस करके वो ध्यान कर सकते हैं, आप किसी मंत्र की चैंटिंग करके ध्यान कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी आनापान सती ध्यान के बारे में। आनापान सती ध्यान, जैसा कि मैंने आपको बताया, सांसों का आना और जाना। दोस्तों, ये जो हमारा नाक का पोर्शन है, इसे हम पिरामिड के रूप में मानते हैं और हम अपना पूरा फोकस करते हैं कि दोनों नाकों के छिद्र से सांस अंदर जा रही है और सांस आ रही है। सिर्फ आपको इतना ध्यान लगाना है कि नाक के दोनों छिद्रों से, नाक के दोनों नोस्ट्रिल से यहाँ तक आपका सांस जा रहा है और वापस यहाँ से आ रहा है। सांस के जाने को और सांस के आने की गर्मी को महसूस करने की कोशिश करें दोस्तों। महसूस करें कि आपका सांस यहाँ तक जा रहा है और वापस यहाँ तक आ रहा है। अपर लिप्स के ऊपर, होंठ के ऊपर के हिस्से पे सांस की गर्मी को महसूस करने की कोशिश करें और फोकस करें अपने सांसों के ऊपर, सांसों के आने और सांसों के जाने के ऊपर। ध्यान करने से पहले आप 3 लंबी गहरी सांसें लें। आँखों को बंद करें और पूरा फोकस नाक के नोस्ट्रिल पे करें और ध्यान लगाएं कि नाक के दोनों नथनों से सांस यहाँ तक ऊपर जा रही है और धीरे धीरे वापस आ रही है। सांसों के साथ किसी तरह की कोई जोर जबरदस्ती ना करें, जैसे स्वाभाविक सांस लें। जो सांस नेचुरली आपको आ रही है, आप उसी पे फोकस करें। धीरे धीरे विचारों से और बाहर की स्थिति से हटकर आपका ध्यान आपकी सांसों पे लगने लगेगा और आपका माइंड कंसंट्रेट होने लगेगा। इसे आनापान सती ध्यान कहते हैं दोस्तों। इस ध्यान को आप धीरे धीरे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, इस तरह करते करते आप इस ध्यान की समय सीमा को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, इस ध्यान को करने का प्रयास करें। धीरे धीरे आपका माइंड कंसंट्रेट होने लगेगा, आपका माइंड फोकस होने लगेगा, आप विचार शून्य स्थिति में आएंगे और धीरे धीरे जीवन के समस्याओं से मुक्ति पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में नए ध्यान के साथ मैं ज्योति शर्मा आपसे मुलाकात करूँगी। तब तक आपको नमस्कार। आपका जीवन मंगलमय हो, आपका जीवन खुशियों से भरा हुआ हो, आपके बच्चे तरक्की करें। धन्यवाद।